हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब फ्रेंड्स। ये देखिए मेरे हाथ में है एक स्वीट का बॉक्स और पैकिंग बड़ी प्यारी है, अलग ही तरह की कुछ पैकिंग है। तो पहले ओपन कर लेते हैं, पैकिंग साइड में रख देते हैं, देखते हैं इस बॉक्स में क्या है। खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है, देसी घी की खुशबू आ रही है। इसमें है बेसन के लड्डू, और आज तो खुद मैं यही रेसिपी बनाने वाली, तो मेरे को क्या मालूम था, मेरे पास तो पहले ही ये बॉक्स आ गया बेसन के लड्डू का। तो ये बेसन के लड्डू भाई थाली में निकाले जा रहे हैं, मुझे नहीं पता कि क्यों निकाले जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स सोचिए मत ज्यादा, ये बेसन के लड्डू मैंने ही बनाए हैं और आज की यही रेसिपी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। गैस ऑन करके मैंने कढ़ाई ले ली है, थोड़ा भारी तले वाली कढ़ाई लें, और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 कप देसी घी। जिस माप से आप घी ले रहे हैं उसी माप से आप ले सकते हैं 4 कप बेसन। तो मैंने 1 कप घी लिया, तो उसी माप से मैंने 4 कप बेसन लिया। गैस को स्लो रखेंगे और बिल्कुल धीरे धीरे हम इसको मिक्स करेंगे और इस तरह से इसको भूनेंगे। ध्यान रहे गैस को तेज नहीं करना, बहुत ही धीरज के साथ पेशेंस रख के आपने ये बेसन को भूनना है। बस इसमें और कुछ आर्ट नहीं है, सिर्फ यही है। तो इससे मुझे थोड़ा सा वुडन वाले से मुश्किल हो रही थी, तो मैंने ये थोड़ा सा चौड़े वाला स्टील का स्पैटुला ले लिया, और इसमें हमने जो लम्स हैं वो खत्म करने, गांठ नहीं रहनी चाहिए। ये ध्यान रखें, जिस तरह मैं आपको दिखा रही हूँ आप इस तरह से इसको भूनिए बेसन को। तो ये देखिए लम्स यहाँ पे खत्म हो गए हैं, थोड़ा प्रेस करते हुए हमने इस तरह से लम्स खत्म करने हैं। गैस स्लो रखनी है, तो थोड़ा सा हम इसमें 1 चम्मच घी और डालेंगे, थोड़ा ड्राई भी रहे और हल्का सा इसे मॉइस्चर रहना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 1 चम्मच मैंने घी और डाला और लम्स पूरी तरह से खत्म हो गए, लेकिन हमने इसको छोड़ना नहीं, इसी तरह से चलाते रहना है। तो हल्का सा इसका कलर भी जो है चेंज हो गया है बेसन का। तो अब इसी स्टेज पे मैं डाल रही हूँ इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर। तो ये 2 इलायची का पाउडर है, थोड़ा दानेदार है, छिलका मैंने साइड में कर दिया और बिल्कुल बारीक इसको पीस लिया। तो अब इसको हम मिक्स कर लेंगे, बस ध्यान रहे कि उसी तरह से गैस लो करके आपने इसको भूनना है। थोड़ा सा 5-7 गिरी जो है मैंने आमंड की ली है और इनको क्रश कर लिया, और इनको भी हम इसमें मिक्स कर लेंगे। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप ना भी डालें तो भी टेस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो 1 चम्मच घी मैं और डालूंगी, मुझे थोड़ा सा यहाँ पे ड्राई रख रहा है। तो जैसे ही मेरे को लगा कि कुछ थोड़ा ड्राई है, थोड़ा सा और मॉइस्चर चाहिए, तो मैंने इसमें और 1 चम्मच घी ऐड कर दिया। तो आपने देखा कि 1 कप घी 4 कप बेसन, तो उसमें मैंने 2 चम्मच घी और डाला है। तो अब ये बेसन बिल्कुल तैयार हो गया लड्डू बनाने के लिए। ये देखिए कढ़ाई इससे अलग होता जा रहा है, देखा आपने तले से बिल्कुल इसने छोड़ दिया। यहाँ पे ये देखिए पूरा इकट्ठा हो गया, नीचे से मैं दिखा देती हूँ आपको कि इस तरह का हल्का हल्का सा ब्राउन हो गया, खुशबू आने लगी है, इसी से पता लग जाता है कि ये बिल्कुल रेडी है। तो गैस ऑफ कर देंगे अब, और गैस के ऊपर से हमने कढ़ाई को उतार के अलग रख लिया। अब हम इसको 10 मिनट के लिए थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देंगे, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना और बहुत ज़्यादा गर्म भी ना रहे। तो अब हम इसमें डालेंगे चीनी। तो मैंने यहाँ पर ये 1 कप चीनी डाली, 1 कप ही घी था, 1 कप ही चीनी डाल रही हूँ। आप कम ज्यादा कर सकते हैं, टेस्ट करके जरूर देख लीजिए। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने घर पे ही जो चीनी होती है दानेदार, उसी को पीसा था 1 कप, और ये इसमें मिला दी हमने। आपके पास बूरा हो तो वो डालिए, और चीनी का जो टेक्सचर है पीसने का उसको थोड़ा सा दानेदार रखें, थोड़ा जोर लगता है यहाँ पर, तो इसको मिलाना है, लेकिन गरम गरम में ही मिलाना है, बहुत ज्यादा ठंडा भी ना हो, बहुत गर्म भी नहीं। तो इस तरह से आप देख लें मुट्ठी बंद करके, अगर बेसन जुड़ रहा है तो इसका मतलब ये बिल्कुल परफेक्ट है लड्डू बनाने के लिए। तो चलिए अब हम लड्डू बना लेते हैं इसके। जिस तरह से हम पिन्निया बनाते हैं, उसका जो हमारे को मिक्सचर होता है उसको थोड़ा गर्म रखते हैं, उसी तरह इसको रखना है। तो ये लीजिए कितनी जल्दी से ये बन करके लड्डू तैयार हो गया है। सबसे कम इंग्रेडिएंट लगते हैं स्वीट में, सिर्फ बेसन और घी और चीनी, बाकी सारी चीज़ें इलायची दाना या फिर आप जिससे भी गार्निश कर रहे हैं या नट्स डाल रहे हैं, वो सारी चीज़ें ऑप्शनल हैं। तो लीजिए यहाँ पे ये लड्डू हम बना करके थाली में रख देते हैं, और ये देखा आपने कितनी तेज़ी से बने हैं लड्डू, मतलब बहुत आसानी से बन जाते हैं। यहाँ पे कितने सारे लड्डू मैं आपसे बात करते करते ही बना चुकी हूँ।
तो मेरे को ये पूरा प्रोसेस करने के लिए सिर्फ 30 मिनट लगे हैं, जिसमें पैकिंग भी हो गई हमारी और लड्डू हमने बनाकर भी रख लिए, और जो मिक्सचर है उसको भी स्लो गैस पर भूना है। तो लीजिए ये लड्डू, और मैं दिखा देती हूँ आपको बना करके कि कितनी आसानी से ये बेसन जुड़ जाता है और लड्डू बन जाता है। तो यहाँ पर हमने सारे लड्डू जो है बेसन के तैयार कर लिए। एक छोटा सा बीच में रखा है क्योंकि वो बेसन कम रह गया था। अब हम इसको कर लेते हैं गार्निश। यहाँ पर मैं पिस्ता से गार्निश कर रही हूँ, आप चाहें तो किशमिश से, केसर से, या फिर कोई भी आपका मनपसंद ड्राई फ्रूट हो आप उसे गार्निश कर सकते हैं। तो लीजिए यहाँ पे लड्डू बन करके तैयार। तो जैसे कि मैं शुरू में बता रही थी कि वो मैं मार्केट से नहीं लाई, हमने घर पर ही लड्डू बनाए हैं। ये लीजिए, ये मेरे पास एक बॉक्स पड़ा था जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया। तो यहाँ पर मेरे पास एक खाली बॉक्स पड़ा था, तो सोचा क्यों ना इसको इस तरह से पैक किया जाए कि जैसे हम मार्केट से लाए हैं। आप इस तरह से घर पर बनाकर किसी के घर अगर आप लेकर जाना चाहते हैं, अपने खास किसी को, अपने मम्मा को, पापा को, भाई को, जिसको भी आप चाहते हैं कि मैं अपने हाथों से बनाकर उसको खिलाऊं, तो इस तरह से आप पैक करके ले जाएंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। या आप अपने घर में भी रखते हैं तो आपको देखने से लगेगा ये देखिए कितना अच्छे से ये बन करके बॉक्स रेडी हुआ है, और घर में प्योर घी से आपने इसको बनाया, और बड़े प्यार से। अगर कोई चीज़ प्यार से बनाई जाए तो खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। तो लीजिए यहाँ पे हमारे पास ये लड्डू का बॉक्स तैयार हो गया। तो आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लग रही होंगी। अच्छी लग रही है तो लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा, और यहाँ पर आप अभी मेरे को लाइक दे सकते हैं। और एक लड्डू मैं आपको दिखा देती हूँ अभी तोड़कर, कि देखिए उसका टेक्सचर कैसा है। यहाँ पे ये छोटा सा लड्डू हमारे पास बच गया था, तो ये देखिए अभी थोड़ा सा ये गर्म है, जिसको हमने ताज़ा ताज़ा बनाया, कितना सॉफ्ट है और कितना आसानी से ये टूटा है कि बिखरा भी नहीं है। जैसे बिखर जाता है ना, वो नहीं, क्योंकि हमने इसमें घी प्रॉपर से रखा है। बस इन छोटी छोटी बातों का ही ध्यान रखना होता है हमें। अगर आप इसको थोड़ा सा ठंडा करके खाएंगे तो ये थोड़ा स्टिफ हो जाएगा, या आप इसे फ्रिज में रख दीजिए तो बिल्कुल ऐसे हो जाएगा जैसे हम मार्केट से लेकर आए हैं। जब थोड़ा सा स्टिफ होगा तो खाने में भी थोड़ा और ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लग रही होंगी। तो जैसे मैंने शुरू में ही कहा आपको अभी थोड़ी देर पहले बोलकर हटी हूँ कि आप मेरी रेसिपी को लाइक और शेयर कीजिएगा। और यहाँ पर मैं एक टिप्स जरूर देना चाहूँगी, जब आप बेसन के लड्डू बना रहे हैं तो बेसन जो है वो थोड़ा मोटा लीजिएगा। हम जो पैकेट में लाते हैं वो काफ़ी बारीक होता है, कड़ी कोड़े के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा मोटा बेसन लेंगे तो उसके लड्डू जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छे बनेंगे। तो यहाँ पे मैंने बारीक वाला लिया है, लेकिन आप मोटे वाला लें और चीनी भी दानेदार रखें।